हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबको जय हिंद। आई एम जेके प्रसाद और आपके समक्ष एसएससी जीडी का एक मॉडल पेपर आया है और इस मॉडल पेपर को इस तरह से बनाने का प्रयास किया गया है कि आपके जितने भी जीएस के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन आते हैं, वह हर पार्ट से कुछ न कुछ क्वेश्चन इसमें रखने का प्रयास किया गया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखने का प्रयास किया गया है जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो आप इसको ठीक ढंग से देखिए, इसका स्टडी कीजिए और स्टडी करके उसको आत्मसात कीजिए। तो फिर हम आपको अपने पॉइंट पर आते हैं कि आपके पेपर का मॉडल पेपर ये बिल्कुल सामने है। पहला क्वेश्चन है, ये न्याय दर्शन वाज प्रोपाउंडेड बाई, यानी न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया, तो इसमें चरवाक नाम दिया है, गौतम नाम दिया है, कपिल, जैमिनी, किन्होंने यानी किसने न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया, ये आपको बताना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें आंसर आपका बी होगा, यानी गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया। और तर्कशास्त्र के लॉजिक की शुरुआत यहीं से मानी जाती है इंडिया में। अजंता पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, यानी अब आपको अजंता चित्रकला का संबंध या चित्रकला का संबंध किस धर्म से है ये आपको बताना है। आप जानते हो अजंता चित्रकला इंडिया की बहुत ही मार्वेलस यानी पेंटिंग मानी जाती है, तो उसको ये कहाँ है, पहले तो आपको ये मालूम है सिंपल सी बात कि आपको महाराष्ट्र में है, और दूसरी बात किस धर्म से संबंधित है, तो स्पेशली ये बताया गया है ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और तीनों, ये सब इसमें सारी बातें हैं। लेकिन आप भी जानते हो कि इसमें जो कुछ भी मैक्सिमम पेंटिंग हुई है वह जातक कथा से रिलेटेड है और जातक कथा बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथा है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा, तो इसका बी आंसर है। तानसेन एंड बैजू बाबरा वर पॉपुलर ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बाबरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे, तो इसका आंसर आपको ढूंढना है और ये बताना है कि जहांगीर के काल में, कि बहादुर शाह सेकंड, जफर के काल में, कि अकबर के काल में, कि शाहजहां के काल में, तो इसको आपको बताना है कि किसके काल में दोनों संगीतज्ञ बैजू बाबरा और तानसेन थे। तो आप भी जानते हो कि ये अकबर के नवरत्नों में तानसेन का शुमार किया जाता है और ये अबुल फजल ने अपनी अकबरनामा में सीधे सीधे लिखा है कि हजार वर्षों में इस तरह का संगीतज्ञ कभी पैदा नहीं हुआ। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि इनके बचपन का नाम, तानसेन के बचपन का नाम बैजू बाबरा था, तो अकबर के नवरत्नों में से एक थे ये, सॉरी, रामतनु पांडे। तानसेन के बचपन का नाम था रामतनु पांडे, तो तानसेन और बैजू बाबरा दोनों इसके काल के यानी अकबर के काल के प्रमुख संगीतज्ञ थे और उसमें भी सबसे बड़ा नाम है तानसेन का, तो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखें फोर्थ क्वेश्चन, हु कॉल्ड शिवाजी अ माउंटेन मोल एंड ब्रेव डकैत, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी, जयसिंह ने, अफजल खान ने, औरंगजेब ने, ननफदीज, यानी आपको किसने दी इसको बताना है। तो इसमें पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू के नाम से संबोधित करता था वह था औरंगजेब, और औरंगजेब ये आपको इनके पीछे लग गया था कि किसी तरह से इसको कंट्रोल किया जाए, इस पहाड़ी चूहे को या साहसी डाकू को, हालांकि समय बदला और उसने इनको राजा की भी उपाधि दी, तो अलग बात है, लेकिन औरंगजेब के साथ इनका सब कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा था, यानी औरंगजेब इसमें आंसर होगा। फाउंडर ऑफ जयपुर सिटी वाज, यानी जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी, जयसिंह फर्स्ट, जयसिंह सेकंड, मानसिंह, इनमें से कोई नहीं। अजमेर या आमेर के राजाओं में जयसिंह का भी नाम आता है फर्स्ट का, जयसिंह सेकंड का भी और मानसिंह का भी, तो इसमें जिस व्यक्ति ने जयपुर शहर को, सिटी को बसाया, वह व्यक्ति थे जयसिंह सेकंड। और
ये बहुत ही बहुत बड़े आपको क्या थे, खगोल शास्त्री भी थे, और इन्होंने एक तरह से खगोल शास्त्र की पुस्तक भी लिखी थी जी जे मोहम्मद शाही, और उन्होंने 5 स्थानों पर ये वेदशालाओं का निर्माण भी कराया था, जैसे दिल्ली में आज भी जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है, जयपुर में, मथुरा में, उज्जैन में और वाराणसी में, यानी 5 स्थानों पर इन्होंने आपको क्या बनाया था, ये वेदशाला यानी ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करवाया था। तो आपका आंसर इसमें होगा बी, 6, हु इम्प्लीमेंटेड परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड बेवेल। देखो, परमानेंट सेटलमेंट या स्थाई बंदोबस्त या आपको इस्तमरारी सिस्टम या फिर आपको जमींदारी सिस्टम, एक ही, तीनों एक ही माना जाता है, और इस सिस्टम को लागू करने वाला बंदा था लॉर्ड कार्नवालिस। तो इसका आंसर होगा आपका प्रॉपर आंसर लॉर्ड कार्नवालिस। 7, हु आर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947, यानी आज़ादी के समय, आज़ादी की घोषणा के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, सुचेता कृपलानी और जे बी कृपलानी। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो उस समय अपने यहाँ के यानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी, तो जे बी कृपलानी इसमें आपका आंसर होगा। 8, हु आज रिस्पॉन्सिबल फॉर जालियांवाला बाग मैसेकर, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था, तो जनरल क्वेश्चन है और इसमें लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड ये जनरल हेनियल्स, लॉर्ड कर्जन, जनरल डायर। तो ये आप भी जानते हो कि जनरल डायर ही इसके लिए क्या था, आपको 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति ऑफिसर कौन था, जनरल डायर, जनरल ओ डायर, जनरल आर डायर, दो व्यक्ति थे, हालांकि जनरल डायर ही लिखा हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, जनरल डायर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, यानी किस देश से आधारित, किस देश से लिया गया है, ये आपको बताना है, यानी पावर यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी शक्ति का विभाजन, ये आपका इसमें सेंटर स्टेट रिलेशन नहीं दिया है, यानी केंद्र राज्य संबंध नहीं दिया है, बल्कि आपका ये करके एक तरह से बहुत ही थोड़ा सा इंटेंसिव क्वेश्चन पूछा है, और इसमें आप देखो कि कहीं भी आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं दिया है, इसका मतलब कि अपने यहाँ फेडरलिज्म संघात्मक व्यवस्था जो भी ली गई है वह कनाडा के संविधान से ली गई है, तो संघ और राज्यों के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह आपको कनाडा के संविधान पर आधारित है, और इस तरह से आपका आंसर भी क्या होगा, कनाडा ही होगा। द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर द टर्म्स ऑफ, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, आपका दिया हुआ है 3, 4, 5 और 6 वर्ष। तो आप भी जानते हो कि विधानसभा के यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर 5 साल के लिए होते हैं, लोकसभा के मेंबर 5 साल के लिए होते हैं, आपको ये राज्यसभा के मेंबर 6 साल के लिए, और चूंकि अपर हाउस आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, विधान परिषद भी है, इसलिए इसके भी टेन्योर कितने वर्ष का होता है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 ईयर। 11 क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ये आपका क्वेश्चन है ज्योग्राफी से कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी है। अब आप देख लेना बेटा कि 24 दिया हुआ है आपको, 90 दिया हुआ है, 180 दिया है, 360, तो आप भी अगर पढ़े हो तो कुल टोटल अक्षांशों की संख्या 181 और टोटल यानी देशांतरों की संख्या यानी लॉन्गिट्यूड की संख्या आपको 360 होती है, तो ये डिग्री में बांटा जाता है, आपको मालूम है, और बिल्कुल ये आपका आंसर क्या होगा, टी होगा। 12 क्वेश्चन,
सुनामी इज अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, यानी सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो इसमें आप देखो जर्मन, पुर्तगाली, जापानी और चीनी। राइट इसका आंसर होगा जापानी। इसमें कहीं ये तो फैक्ट क्वेश्चन है, तो फैक्चुअल बातें हैं, फैक्चुअल जानोगे तभी होगा, ये जापानी होगा। 13 विच रिवर इज न्यूयॉर्क सिचुएटेड ऑन, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? तो ये सीन, हडसन, पोटोमैक और नील, ये मैक्सिमम आप जानते हो, और इसमें आंसर आपका होगा हडसन। सीन फ्रांस बसा हुआ है, पोटोमैक ये आपका नील नदी के किनारे मिस्र बसा हुआ है। तो इस तरह से आप देखो कि इसमें आंसर होगा हडसन। द हाइएस्ट पीक इन द पेंसुलर इंडिया इज, यानी भारत के बारे में पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, अणाई मुड्डी, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी और नीलगिरी। तो अगर आप पढ़े होंगे तो रियल में आप जानते हो अणाई मुड्डी सबसे हाईएस्ट पीक है, कहाँ की? पेंसुलर इंडिया की। 15 इन इंडिया सैफ्रॉन इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन, यानी भारत में केसर सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो इसमें चार विकल्प दिए हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, बिहार एंड असम। आपका परफेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वह होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में सर्वाधिक केसर का उत्पादन होता है, कारण कि केसर के लिए जो मिट्टी होनी चाहिए वह आपको बिल्कुल बर्फीली होनी चाहिए, और ये इसकी प्राप्ति कहाँ होती है? वह है जम्मू एंड कश्मीर में। इसलिए केसर का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा आपको जम्मू एंड कश्मीर करता है। 16 वेन वाज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक एस्टेब्लिश, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये आपको दिया हुआ है 1977, 76, 1974 और 1975। इसका हेडक्वार्टर भी बहुत दूर नहीं है, लखनऊ में है, और ये आपको 1975 में स्थापित किया गया। 17 देखो, हु रेगुलेट्स द स्टॉक एक्सचेंजेज इन इंडिया, एक्सचेंजेज नहीं एक्सचेंज, चलो भारत में स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियंत्रित करता है? BSE, RBI, ISE, SEBI। तो भारत में स्टॉक मार्केट को नियंत्रित करने वाला SEBI होता है, यानी SEBI के माध्यम से, यानी आपको ये स्टॉक, ये सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बैंक, ये बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब कि इसके द्वारा ये आपको रेगुलेट होता है, यानी इसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा SEBI। टू हुम इज द ECO, यानी इको मार्क इज रिलेटेड, इको मार्क किससे संबंधित है? इन्वायरमेंट से, गोल्ड प्रोडक्शन से, क्वालिटी ऑफ द फूड प्रोडक्शन, नन, यानी पर्यावरण से, सोना उत्पादन से, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से, और कोई नहीं। इको मार्क इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, यानी इको मार्क जिस पर लगा होता है वह इन्वायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है, कि पर्यावरण का दोस्त माना जाता है, इससे किसी प्रकार की पर्यावरण की कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए इस पर इको मार्क लगाया जाता है। तो आपका आंसर होगा ए। 19 क्वेश्चन देखो, द वर्ड बुल एंड बियर आर रिलेटेड टू विच ट्रेड, यानी शब्द बुल और बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? यानी फॉरेन ट्रेड, बैंकिंग, शेयर मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग, विदेशी व्यापार, बैंकिंग, शेयर बाजार और वस्तु निर्माण। तो आपका बुल एंड बियर, बुल का मतलब जब शेयर मार्केट में ये शेयर के रेट भाव बढ़ते हैं तो बुल यानी सांड को ऊपर उठते हुए दिखलाया जाता है, और जब ये शेयर मार्केट गिरता है तो उस सांड के सिर को नीचे की तरफ लुढ़कते हुए दिखाया जाता है, यानी उसको बियर कहते हैं। इसका मतलब कि बुल और बियर दोनों वर्ड आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। बीस का, कथक इज द डांस ऑफ विच स्टेट, नॉर्थ इंडिया, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नॉर्थ इंडिया। तो इसमें आपको 3 स्टेट दिया हुआ है और पूरा का पूरा उत्तर भारत दे दिया गया है, लेकिन रियल में आंसर तो आपका इसके
इस विकल्प के अनुसार आपका उत्तरी भारत होगा या उत्तर भारत होगा, बट अगर स्टेट भी पार्टिकुलर उसमें दिया जाए तो ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। आपको इसमें ये बनारस घराने का बड़ा ही नाम आता है बेटा, तो आपको महाराज से रिलेटेड कई लोग यहाँ पर रहते हैं, तो कथक नृत्य ये आपको उत्तर भारत से, यानी विशेष रूप से उत्तर से, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। और एक कथकली होता है, कथकली जो केरल का होता है, ये भरतनाट्यम जो आपको होता है तमिलनाडु का, ये कुचिपुड़ी आपका होता है आपको आंध्र प्रदेश से, ओडिसी उड़ीसा का होता है, और मणिपुरी मणिपुर का होता है। ये आपको अलग अलग शास्त्रीय नृत्य ये अपने स्टेट में यानी भारतीय स्टेट में पाए जाते हैं। 21 इंडिया हाउस इज सिचुएटेड इन, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है इसमें, आप देखो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि इंडिया हाउस अवस्थित है लंदन में, नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, लेकिन अगर आप सही कहीं पढ़े होंगे तो ये भी मालूम होगा कि 1858 के ये भारत शासन अधिनियम में अब एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया पद, यानी आपको भारत सचिव का पद बनाया गया, और उसकी जो काउंसिल परिषद होती थी वह 15 सदस्यों वाली होती थी उसके अलावा, और ये लंदन में ये था, और इसी सचिव के परिषद को ही कहा जाता था, इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। तो ये इंडिया हाउस आपका है लंदन में, ये आंसर होगा इसका। Among the following, which is only found in female, यानी निम्न में से कौन सी केवल स्त्रियों में पाई जाती है, साइंस का क्वेश्चन है ये, थायराइड, ओवरी, पिट्यूटरी और एडेनोइड्स, यानी आपको थायराइड, अंडाशय, पिट्यूटरी और एडेनोइड, इसमें पूछ रहा है कि स्त्रियों में ही केवल पाया जाता है, इसका मतलब पार्टिकुलर ये और सब तो पुरुषों में भी पाए जाते हैं लेकिन स्त्रियों में एक अलग से होता है, और वह है आपका अंडाशय यानी ओवरी होता है। ओवरी सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, आपको महिलाओं में होता है, वोमेन में होता है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई, रक्तदाब मापने में काम आता है ये एस्फिग्मो मैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, ईसीजी और ईईजी। तो रक्तदाब मापने के लिए एस्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट इसका आंसर होगा। 24 देखिए, ईमेल मैसेजेज आर स्टोर्ड इन विच पीस ऑफ मेमोरी, आउटलुक, एक्सेल, .com, मेल बॉक्स, पेपर बॉक्स, मेमोरी के किस स्थान पर ईमेल मैसेज का संग्रह किया जाता है, वहीं आपका हिंदी इंग्लिश वाला हिंदी में दे दिया गया है। तो आपको ई मैसेज ये मेल बॉक्स में रहता है, और इसको ओपन करके आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कौन सा ईमेल आया है उसको आप देख सकते हो। तो इसका आंसर होगा सी। एमएस वर्ड इज ए टाइप ऑफ, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम आइकन, एप्लीकेशन आइकन, यानी एमएस वर्ड एक प्रकार का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम आइकन और एप्लीकेशन आइकन। तो एमएस वर्ड आपका है वह है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इसके माध्यम से आप ये सॉफ्टवेयर को चला सकते हो, यानी अपनी बातों को रख सकते हो, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इस तरह से आपके टोटल आंसर यानी 25 क्वेश्चन हुए, संपन्न हुए, और याद आशा है कि आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।